नेड़ीगुड़ कहुणी को बोहिबा परे चेतिले सरकार प्रवासी फेरिबा बेलकु पुणी प्रहसन। पंचायती राज विभाग जारी कला स्वतंत्र मोडालिटी ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करी प्रवासी को स्वावलंबी करबा को प्रयास खूब शीघ्र आर्थिक सहायता घोषणा करि परंती सरकार। कोविड 19 महामारी को दृष्टि रे रखी राज्य पंचायत राज विभाग कोविड 19 सहायता पैकेज बा सीएपी रो परिकल्पना करिछि। चारोटी भिन्न प्रकार रो पैकेज को सीएपी अधीन रे अंतर्भुक्त करिछंती राज्य सरकार। प्रथम पैकेज नानो एवं माइक्रो उद्योग गुड़ी को कार्य करथिबा पूंजी सहायता पांठि जोगाई दिया जिवो जेवाने अर्थनैतिक एवं व्यवसायिक दृष्टिकोण रु संकट रे गति करुछंती। एहिपरी पैकेज अधीन रे 50,000 टंका पर्यंत आर्थिक सहायता निश्चित होईछि। द्वितीय पैकेज उद्योगी गोष्ठी एवं उत्पादक गोष्ठी को 1.5 लाख टंका पर्यंत एककालीन आर्थिक सहायता। इनपुट गुड़िकर बहुल क्रय बजार को उत्पादन परिवहन कर्मशाला पाई पूंजी सहायता विद्युत बिल पैठ करबा विक्रेता देय एवं छोट जंत्रपाति क्रय करबा पाई सहायता जोगाई दिया जिवो। तृतीय पैकेज दुग्ध छेली किंबा कुकुड़ा फार्म एवं मेकानिक दुकान परी दुर्बल परिवार द्वारा परिचालित उद्योग एवं जीविका पाई व्यक्तिगत सहायता सृष्टि करबा भिन्नक्षम व्यक्तिक परी दुर्बल व्यक्ति विशेष करी असुरक्षित आदिवासी गोष्ठी ट्रांसजेंडर विधवा दरिद्र अविवाहित महिला वृद्ध एवं दीर्घस्थायी रोगरे आक्रांत व्यक्तिक पाई सर्वाधिक 20,000 टंका पर्यंत आर्थिक सहायता प्रदान करा जिवो। चतुर्थ पैकेज पोशाक पत्र टेलरिंग अलंकार हर्बाल उत्पाद उत्पादन एवं स्वच्छता उत्पाद एवं कैटरिंग कार्पेंटरी वैद्युतिक कार्य डिजेन्सिफिकेशन सेवा मोबाइल विक्रय परी स्टार्टअप पाई कुशली एवं अर्धकुशली प्रवासी श्रमिक मानंकु आर्थिक सहायता प्रदान करबाकु डिजाइन प्रस्तुत करा जायछि। एही वर्ग अधीन रे सर्वाधिक 1 लाख टंका पर्यंत अर्थ प्रदान करा जिबा नै व्यवस्था होईछि। त वर्तमान ओडिसा सरकार संपूर्ण रूपे आपण देखिथिबे आमे हाईएस्ट एबे डिस्पर्समेंट गत गोटे मास भितरे आमे प्राय 70% रु उद्यो आमे एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करिया पे डिस्पर्समेंट करि सारलुनी अनेक मीटिंग विचार विमर्श हेइ सारलानी। ता सहित रूराल इकोनोमी को किभली डबटेलिंग करा जाई परबो मनरेगा एवं एग्रीकल्चर ता सहित जो परंपरागत वृत्ति अछि कुंभकारंकर हला बाउंस काम जो माने करछन्ते लोहा काम जो माने करछन्ते से परंपरागत जो वृत्ति अछि ताकु भी किभली प्रोत्साहन मिलबो से दिगरे एमएसएमई विभाग तरफ रु आमे प्रयास करबो। को माने भी रहिबे ओडिसा रे से माने किभली भाव रे इचिता आत्मनियुक्ति पाइबे सेति पय आमे प्रयास जारी रखबो। सरकारी तथ्य कहुछि कोरोना महामारी जोगो गुजरात तमिलनाडु कर्नाटक आंध्रप्रदेश भले राज्य रे काम करूथिबा 12 लाख प्रवासी ओडिसा को फेरिथिले। सेमानक जीवन जीविका को गुरुत्व देबा लागि सरकार सेमानक काम जोगाई देबार प्रतिश्रुति भी देले एपरी कि सेमानक भितरे थिबा स्किल मैपिंग पाई मध्य घोषणा करा गला। मात्र मास परे मास समय गड़ी चलिला पछे सरकारक प्रतिश्रुति पूरण होई परिला नाही। शेषरे निराश होई निज परिवार भोकिला पेटकु चाही पुणि थरे बाहर राज्यकु दादन खटिबाकु जिबाकु बाध्य होईचंती प्राय 1 लाख प्रवासी श्रमिक। प्रवासी फेरिबा बेळकु एहा सरकारक प्रहसन बोली कहिचंती विरोधी। आज राज्य सरकार चेता पोषुची ये योजना कार्यक्षम हेला बेळकु आउ डिसेंबर कि जानुअरी मासरे हबो तेणुकरी राज्य सरकार जो नैतिक दायित्व साधारण लोकों पर विशेषकर प्रवासी श्रमिक मानों पर जो नैतिक दायित्व से नैतिकतार प्रदर्शन करंतु नहले तार परिणाम निश्चित भाव आग को भोग करेंगे। राज्य जो जो मैंने मजदूर करके जाइले आसिले से कम नहीं पाना सरकार को ऊपर समस्त बिगड़ कर ग्रामीण अर्थनीति विकास उद्देश्य नुह एम भाषण मार्चन्ते। आकलन कहुछि सरकारंकर एही योजना जदि सतरे कार्यकारी हुए तबे ताहा भितरे आहुरी प्राय 4 लाख रु अधिक लोक बाहर को बाहुडी जाइथिबे। प्रवासी फेरिजबा परे सरकारंक एही घोषणा प्रहसन नुहे त आउ कोन प्रवासीक पक्षरु जेउ विरोधर स्वर तीव्र हेउछि ताकु चापी देबाकु एही घोषणा नुहे त एबे सुद्धा केते प्रवासी श्रमिकंक स्किल मैपिंग करिछंती सरकार। भुवनेश्वर रु
କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।